हेलो गाइस, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है एंड हम ताऊ जी के यहाँ पे जा रहे थे। रास्ते में हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म एंड मैं भागती भागती चली जा रही हूँ। काफ़ी दूर जाके पेट्रोल मिल भी गया, फिर हम घर पहुँचे जैसे तैसे। यहाँ पे रामायण हो रही थी एंड सबसे नमस्ते करते हुए गले मिलते हुए हम लास्ट वाले रूम में पहुँचे। वहाँ पर ज़्यादा तो नहीं सब थे, लेकिन ज़्यादा सब ऊपर थे। एंड ये झूठ के बोलूँ, ये सब दोबारा हुआ था। स्टार्टिंग में मेरा हो गया था गले लगना सबसे, इसलिए सब लोग ज़्यादा हंस रहे थे कि ओवर कर रही है तू बहुत। और दीदी ने तो हद ही कर दी। दीदी कह रही थी कि तू तो कल आने वाली थी, आज कैसे आ गई भाई। ऊपर ही हलवाई चल रहे थे एंड भैया जी से गले लगा। भैया कह रहे ओवर मत करे, दांत मत निकाला है, वीडियो मत डाला है। ये काफ़ी सारी मिठाइयाँ एंड काफ़ी इंजॉय कर रही थी मैं जाते जाते भी। एक शॉर्ट वीडियो, आईफोन वाले भैया थे ना ये, इसलिए इनको साथ लेके ढूंढना पड़ा। अच्छा ऐसा हुआ, ये ट्रक लेके गए थे हम। मैंने ये बात इससे 6 बार पूछी, बेटा ट्रक कौन लाया, ट्रक कौन लाया। फाइनली भाभी चाय लेके आई मेरे लिए। यहाँ पे हम बातें करने लगे बहुत। एक दो मिनट बहुत। ये सब बातें करने यहाँ पे बातों के ढेर लगा रखे थे सब लोगों ने, मैंने भी खूब हंसे। पंखा ऑन किया, ऑफ किया, पता नहीं क्या हो रहा था। ये इसका बर्थडे था तो एक क्रीम लगा रही थी पीछे। इसे भी फोटो शूट कराना था ना। ये आईफोन वाले भैया से बहुत खिंचाई कि भाई तुम्हें फोटो लेना है, भाई ये लेना है। अच्छा था सब कुछ, अभी तो स्टार्टिंग ही थी, रात हो गई थी शाम। एक्चुअली काफ़ी बातें कर रहे हैं ना ये लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम आ रहा था, अब कुछ नहीं आ रहा। नेक्स्ट काफ़ी बड़ी हो गई यार ये। यहाँ पे ना मेरी बात चल रही थी मेरे बचपन की। एक्चुअली मेरी एक बहुत प्यारी और शॉर्ट कहानी है, उसके बारे में बता रहे थे ये लोग एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। अब बताना शुरू किया है एंड सब हंसेंगे, पता नहीं कितनी तेज हंसेंगे। देखो तुमको नहीं बता सकती, कुछ अच्छी कहानी है वो। ये सबके बचपन की कहानियां बताई जा रही हैं। हाँ ऐसा है ना, जब परिवार जुड़ता है ना तो सब ऐसी बातें करते हैं एंड फाइनली हमको लगी भूख इतनी सारी बातें करने के बाद एंड हम बैठ गए सारे एक साथ कि भाभी पूड़ी लाओ, भाभी सब्जी लाओ, एक एक करके खाए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा था। एंड यहाँ हमने सबके लिए डिब्बे, मिठाई के डिब्बे तैयार किए, लड्डू पापड़ी लाइक अ परोसा। एंड मैंने काफ़ी सारे पोज बनाए होंगे यहाँ पे, पक्का कंफर्म है। हाँ सारे डिब्बे तैयार करके फाइनली हम सब सो गए थे एंड ये मॉर्निंग वेव है। हाँ सुबह को जगे एंड ये मुँह धोते हुए दीदी ने वीडियो बनाई। दीदी कैमरा पे ही रही थी मेरी। एंड नहाने गई मैं, नहाने के बाद हम पूजा करवाने आए एंड माइक पे हमने कुछ भी बोला, जो कुछ बोलना था हमने सब बोला एंड सबसे कहा कुछ गाओ। ये कीर्तन था स्टार्टिंग में एंड
सब लोग कुछ ना कुछ अपना कर ही रहे थे। यहाँ दीदी से कहा, दीदी आप कुछ बोलना चाहती हैं? तो इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग बहुत बेहुदा हैं, इतनी तेज तेज रामायण गाई फिर भी कोई नहीं। ये यहाँ पे जिया जी के साथ थोड़ी सी मजाक, एंड अब आ गए छोचिक वाले। फिर मैंने सोचा कि खाने की वीडियो बना के लाती हूँ क्या क्या बना हुआ है। एंड यहाँ पे गए तो इन्होंने ये सिल्वर वर्क लगाया हुआ था और हम कुछ भी नहीं बना पाए, यहीं से लौट आए। यहाँ मैंने फोटो शूट कराया सो ही गए थे। दीदी ने हमको जगाया कि चलो ऊपर सोते हैं, और यहीं हमने अपना एक नाखून खो दिया बिकॉज ऑफ दिस चेयर। इन चेयर ने मेरा नाखून तोड़ दिया। सुबह को हम जल्दी जल्दी उठ के ऑटो में ये छोटी सी वीडियो बनाई बिना मुँह।